नमस्कार देवियों और सज्जनों एंड माय डियर दमदार किंग्समैन, आप देख रहे हैं ग्रैंड टूरिज्मो 7 का पहला एपिसोड। रेसिंग गेम्स में बहुत ज्यादा नहीं खेलता, लेकिन अगर आपने ग्रैंड टूरिज्मो की सीरीज का पहला कोई पार्ट खेला है, आप अच्छी तरह जानते होंगे ये क्या चीज है। उन लोगों के लिए जो रेसिंग गेम्स के फैन है, दीवाने हैं, ग्रैंड टूरिज्मो उनके लिए है, प्रॉपर उनके लिए है, क्योंकि बस ये एक रेसिंग गेम नहीं है, रेसिंग सिमुलेटर है। यानी कि रियल लाइफ में जैसे आप जो भी रेस करते हैं, अगर आप एक ट्रैक पे रेस कर रहे होते, जो कार्स आपको मिलती है, आप जैसे चलाते हैं वहां पे, जो चीजें आप वहां फील करते हैं वही रियल लाइफ में फील कर। ये यही रीजन है कि यहाँ पे जो भी लोग खेलते हैं ग्रैंड टूरिज्मो या इन गेम्स को खेलते हैं, उनके पास प्रॉपर एक सेटअप होता है व्हील एंड बाकी चीजों का। तो अगर आप रेसिंग गेम्स के दीवाने हो, सिमुलेटर रेसिंग के दीवाने हो, तो फिर ग्रैंड टूरिज्मो रिलीज हो रहा है प्लेस्टेशन 4 और 5 पे, PS4 एंड 5 पे रिलीज हो रहा है, नेक्स्ट डे रिलीज हो रहा है कल। और अभी आप जो देख रहे हो ये एक रिप्ले चल रहा है उस रेस का जो मैंने अभी फिनिश किया है। लुक एट द लिटिल डेविल, उस सब के पीछे भाग रहा है वो मैं ही हूँ। आई नो मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ रेसिंग गेम्स में, आई नो दैट, बिकॉज ट्रैक पे तो ऑब्वियसली मैं इतना अच्छा नहीं चला पाता कार वगैरह, आई मीन बाकी जगह भी कौन सा कुछ फाड़ लेता हूँ। खैर ये है आपका वो होम स्क्रीन, आपका मेन्यू, आपके लॉबी, जहां पे आप बाकी चीजों में मिंटर करते हो, लाइक रेस हो गया, कैफे हो गया, कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ये यूज्ड कार्स का, यहाँ पे वो कार्स हैं जो आप जब आप स्टार्ट करोगे तो बाय कर सकते हो। स्टार्टिंग में गेम्स आप रेसिंग करते हो, फिर आपको वहां से पैसे मिलते हैं, फिर आप वहां पे क्रेडिट जिसे बोलते हैं, आप यहाँ पे आके वो स्पेंड करते हो, खर्च करते हो, कार्स वगैरह बाय करते हो, क्योंकि वहां पे हर रेस में एक अलग तरह की कार डिमांड करता है, वो किस कैटेगरी की है तो उसके अकॉर्डिंग है। फिलहाल मेरे पास इतने हैं कि मैं एक कार ले सकता हूं, कोई थोड़ी इसकी शोभा मेंटेन्ड हो, यही लग रही है मेरे औकात के अंदर, बाकी तो कोई और है नहीं। फेयर लेडीज जी, मैं यही खरीद पाऊंगा, और कोई मेरे बस की बात नहीं है खरीद पाना। और कार बाय करने के बाद आपको थोड़ा मैं शोकेस दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ घंटे खेला इस गेम को, और बेसिकली तो मेरे पास है एटलीस्ट 4-5 कार्स हैं। और एक जगह होता है आपका अपना गैराज, जहां पे आपकी कार्स रखी होती है, आप उनको ट्यून अप कर पाते हो, आप उनकी जो भी है स्पेक्स वगैरह देख पाते हो। और यहाँ पे आप नई कार कैसे दिखेगी अगर आप उसको देखते हो अलग अलग ट्रैक्स पे, तो अलग अलग लोकेशंस पे, तो वो आपको यहाँ दिखाई जाती है। तो स्टार्टिंग में तो आपको मैं वही बताऊंगा कि मेरे पास यार बहुत महंगी कार देखो नहीं है, ठीक है, बट ऑब्वियसली एक ये सिमुलेटर रेसिंग गेम है और ऊपर से ग्रैंड टूरिज्मो ब्रांड है, तो फिर बहुत 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 ज्यादा कार्स हैं यहाँ पे। मेरे पास आपको इतनी नहीं दिखाई देंगी बिकॉज ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खरीद सकूं, लेकिन हाँ बहुत सारी है, बहुत कुछ है। आई मीन प्रॉपर आप वही समझ, जो लोग इसके फैन है वही उनको वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और ये है हमारा कैफे, जहाँ पे आप जब कार्स की कलेक्शन कंप्लीट करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, न्यू कार्स बाय करते हो का कलेक्शन कंप्लीट होता है, रिवॉर्ड मिलता है, और इसे अनलॉक करने पे मिलती हैं आपको कुछ चीज़ें जो अरे यार चिल्लर दिखा दे। देख लेते हैं इसमें भी,
क्या ऑसम कार है ये। अरे बाबा चलो खुश रहो तुम लोग, बहुत बढ़िया कुछ तो मिला अच्छा वाला। आई थिंक दोनों कार्ड ठीक है चलेगा। अब यहाँ पे कैफे की बात हो रही है तो मैं आपको लिए चलता हूँ कैफे में, दिखाता हूँ यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे एक अंकल रहते हैं जो हमें बताते हैं कि आप मेनू कार्ड में सर्च करो, आप कार से कलेक्शन है उन्हें कंप्लीट करो, चाहे खेल के या फिर आप रेस जीत के या फिर आप जैसे भी, और कलेक्शन कंप्लीट करते हो तो आपको मिलता है फिर ये, जहाँ पे अंकल आपको उन कार्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स वगैरह क्या है वो। एक बाय द वे तीनों कार्स हैं मेरे पास, जो भी आपने देखा था ना वो तीनों मेरे पास हैं ये कार्स। तो अंकल के बारे में बताते हैं ये कार्स कब कहाँ यूज हुई थी, कौन इनको यूज करता था एंड ऑल। अब जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है वैसे यहाँ पे है ये लाइसेंस सेंटर, जहाँ पे आप कंप्लीट करते हो टास्क होते हैं छोटे छोटे, कार को टर्न करना, कैसे आपको आगे ट्रैक पे मोड़ना है, कट करना है एंड एवरीथिंग। तो अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको उसके बदले फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब हर जो भी आप रेस करोगे चाहे आप ट्रेनिंग मोड में हो चाहे कहीं भी, तो आपको उससे क्रेडिट मिलेगा जो आपके पॉइंट्स वो ऐड हो जाते हैं और वहीं यूज़ करोगे आप कार्स को बाय करने के लिए। लेकिन कुछ रेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे अगर आप जीत जाते हो तो भी आपको कार मिलती है, थोड़े टफ होंगे वो नॉर्मल से ऑब्वियसली, लेकिन हाँ मिल जाएगा। एक बार इसको ट्राई करते हैं, ये थोड़ी फास्ट कार वाली है और आई थिंक इसमें भी कॉर्नर पे ही हमें मोड़ना होगा, वो ऑप्शन होगा यहाँ पे ऐसा कुछ शायद। बाय द वे मैंने यहाँ पे जो आप वो देख रहे हो ना, बाय द वे आप जो देख रहे हो ना, मैं बात करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। यहां से आराम से स्लो होके तो क्या पॉइंट 1% का डिफरेंस, 0.1 सेकेंड का डिफरेंस है, 1 सेकेंड भी नहीं, 0.1 सेकेंड की डिफरेंस है, मैं सिल्वर। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आप वो आपको नहीं दिख रहा होगा जो भी कौन आगे कौन पीछे नंबर 1 2 ये सब चीज़ मैंने ऑफ कर रखा है उसको, बिकॉज थोड़ा सा ऐसे इमर्सिव लुक आता है देखने, मतलब थोड़ा सा बढ़िया लगता है और कुछ नहीं। तो जो भी आप रेस वगैरह देख रहे हो मैंने वो क्लोज कर रखा है, वो बहुत कुछ उसमें डिटेल देता है, ड्राइवर कौन है उसका, उसे गाड़ी कौन सी, उसका नाम क्या है, निक नेम क्या है, किस कंट्री से है और कौन फर्स्ट चल रहा है, कौन सेकेंड चल रहा है, कौन सा लैप है। आप ऑब्वियसली सीरियस होकर बहुत खेल रहे हो आप रेस के लिए तो आप ऑन रखोगे, मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। ग्रैंड टूरिज्म अगर बाय करने वाले हो नहीं करने वाले जो भी है तो बस ये चीज़ देख लो, ये चीज़ें आपको दिखेंगे मिलेंगे। बस एक बात लेकिन बोलूँगा जो मैं देखा महसूस किया, बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सट्रीम लेवल की ग्राफिक्स है, बहुत ही ज़्यादा। अभी आपने देखा जब मैं कार नई बाय की थी तो वहाँ पे जो आपने एक छोटा सा वो देखा था, दिखाया गया था आपको कार किस लोकेशंस पे कैसे थी, उसमें आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे कितनी ज़्यादा वो डिटेल दिख रही थी वहाँ पे देखने में। तो वही है यार ये बात हुआ, और ऊपर से आप PS5 किस, अगर PS5 पे खेल रहे हो, देखो मैं ये कहूँगा बताऊँगा आपको डिफरेंस है, अगर PS5 पे खेलते हो पहली बात तो इंस्टेंट लोडिंग होगा, और दूसरी चीज़ एक बात ये है कि कंट्रोलर को आप एक हैंडल की तरह यूज़ कर सकते हो, PS5 कंट्रोलर को आप व्हील की तरह यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसमें वो ऑप्शन है व्हील की, क्योंकि मैं भी ऐसे ही खेल रहा हूँ व्हील की तरह घुमा रहा हूँ तो मेरी कार वैसे घूम रही है, तो जी हाँ ये ऑप्शन है। प्लस अगर कार में झटके लगते हैं आपको, कहीं आप रोड से साइड हटते हो या गियर चेंज करते हो, ये सब चीज़ें होती तो आपको वो चीज़ महसूस होता है आपके हाथों में, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है PS5 में खेलने का। ये बात ट्रैक्स लोकेशंस देखो बहुत 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 सारी है, बहुत सारे जितने कॉन्टिनेंट्स उसमें लोकेशंस बहुत सारी दी हुई है, उनमें रेसेस बहुत सारी है,
खुद सोचो एक बार कि ओपन वर्ल्ड नहीं है, ठीक है, ये गेम ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है, आप ट्रैक पे ही रेसिंग करोगे, लेकिन उसके बावजूद 110 GB के आसपास का गेम है ये, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी सारी कार होंगी, कितने सारे लोकेशंस, ट्रैक्स एंड चीजें होंगी इसमें आपको एक्सप्लोर करने के लिए। पुर्जा कहते हैं ना चेंज कर देना, वो तक आपके हाथों में है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। यप्पा, एक चीज और है इसमें यार, वो रे ट्रेसिंग की बात आपसे मैंने की नहीं है, रियल टाइम रे ट्रेसिंग है वैसे यहाँ पे। दो तरह के ऑप्शन है यहाँ पे, एक आपका परफॉर्मेंस मोड ऑब्वियसली और एक रे ट्रेसिंग मोड। लेकिन हाँ एक बात है, अगर आप 4K में खेलते हो उसके बाद भी आप 60 FPS पे खेलोगे, ये बहुत प्यारी बात लगी मुझे। रे ट्रेसिंग ऑन रहेगा 4K में चलाओगे उसके बाद भी, बहुत अमेजिंग। वैसे थोड़ा सा बहुत थोड़ा नाइट में चीज देखने को आपको ज्यादा मिलेगा, रे ट्रेसिंग वगैरह जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो है लोकेशंस बहुत सारी। मैंने बहुत सारे रेस कंप्लीट किया जस्ट बिकॉज थोड़े पैसे मिले और अच्छी कार बाय कर सको, लेकिन बहुत महंगा है। और ये मैंने 3 क्लासिक कार आप कह सकते हो, थोड़ी विंटेज कार बोलते हैं इनको, जो 19th सेंचुरी नॉल जो भी लिखा है, इस तरह की 3 कार मैंने जीती हैं रेस में, तो ये अंकल मुझे बता रहे हैं इन कार्स के बारे में। तो वही है, जब आप कोई किसी कार की कलेक्शन कंप्लीट करते हो तो ये आप कैफे में आते हो, अंकल आपको उस कार के बारे में बताते हैं, आप उनके बारे में जानते हो और आपसे डिस्कस किया जाता है उनके फैक्ट्स एंड ऑल, फ्रॉम इटली एंड फ्रॉम जर्मनी। एक बहुत ही अमेजिंग चीज है, जो डिटेल्स आपको, एक छोटा कटसीन तो नहीं बोलूंगा इनको, जो ऐसे छोटे छोटे सीन्स में आपको देखने को मिल रहा है वही आप रेस में भी देखोगे, कार की इंटीरियर से लेकर रेस ट्रैक से लेकर वेदर एंड एवरीथिंग, बहुत बहुत अमेजिंग होने वाला है। आई मीन धूम है उनके लिए जो प्रॉपर फैन है रेसिंग के, एंड जो खेलते हैं व्हील वगैरह यूज करते हैं, प्रॉपर सेटअप लेते हैं, जो बहुत महंगा था ऑब्वियसली सिर्फ रेसिंग गेम्स के लिए, तो उनको मजा आएगा बहुत बहुत ज्यादा। ट्यूनिंग शॉप अनलॉक हो गया, ये वही शॉप है जहां पे हम कार के अपने पार्ट्स वगैरह बाय करते हैं। यू मस्ट बी बेटर, आप जानते हैं मुझे, क्या बात है अंकल। फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, मैंने कहा था ना यहाँ पे जो आपको छोटे सिर्फ कार के टायर बाकी चीजें चेंज करते हैं, बाकी जो बाकी गेम्स ऑप्शन आते हैं उतना ही नहीं है यहाँ पे, स्पोर्ट्स चिप सस्पेंशन जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बहुत आइडिया होगा ऑलरेडी इसके बारे में, तो हर एक चीज जो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हो कार के अंदर आप कर सकते हो, एक्सट्रीम रेसिंग क्लब स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। इस कार में थे कुछ चीजें जो मैं लगाना चाह रहा था, लाइक टायर ना पहले स्पोर्ट्स मीडियम आई थिंक, क्योंकि कंफर्ट मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है इस कार में, कंफर्ट हार्ड एंड मीडियम, ये सब चीजें स्पोर्ट्स है जो मुझे चाहिए होगा। ये वही कार है जो अभी आपने देखा है, उससे रेस कर रहा हूं मैं, और
फिर भी इतनी फास्ट नहीं जीता मैंने सोचा था, अभी मुझे बहुत ट्यूनिंग कर रहा है अगर मुझे रेस जीतना है तो। बिकॉज जो अभी यहाँ पे रेस देख रहे हो ये ऑनलाइन रेस है, मतलब चैंपियनशिप वगैरह टाइप का कुछ है, तो यहाँ पे अगर मुझे इस रेस पे कंपीट करना है तो मुझे यही कार चाहिए होगी और टायर मुझे वही चाहिए होगा जो अभी आपने देखा था स्पोर्ट्स वाला, लेकिन मुझे थोड़ी और ट्यूनिंग करनी होगी, इसमें मजा नहीं आ रहा है कि अभी मैं फील कर रहा हूँ मेरी कार अभी भी उतनी फास्ट नहीं जितना मैं चाह रहा था कि हो। सो या जैसे जैसे हम चीज़ें बाय करता जा रहा हूँ, आप राइट में देख रहे होंगे कि उसका मेरा परफॉर्मेंस जो है वो लेवल वो बढ़ रहा है, तो मुझे उस हिसाब से चीज़ें बाय करनी जो कार की पावर को बढ़ा पाए। ऊपर आपको एक दिख रहा है ना पीपी करके, आई थिंक वो परफॉर्मेंस पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ है, जितना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस पॉइंट ये होगा उतना ही ज्यादा आपका उस आपकी कार की आपका आपकी कार अच्छी अच्छा परफॉर्म करेगी वहां ट्रैक पे, तो इसलिए मैं वो देख के ही चीजें बाय कर रहा हूं जो उसमें थोड़ी हेल्प करे, ना कि बस यूं ही शोभा और सौंदर्य को मेंटेन करने के लिए हो, मैं वो चीजें फोकस अभी नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियसली मेरे पास इतने पैसे नहीं है सब। और मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स जो शायद मैंने कभी सुना भी नहीं होगा, जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं कार में ये होते भी हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। सो ये बहुत ही, मैंने बोला ना सिमुलेटर है पूरा कार रेसिंग का, तो आप अब हर चीज़ आपकी कार के बारे में पूरी डिटेल ए टू जेड आप जान सकते हो, यहाँ पे सब कुछ है यार। और अब ये रेस है जो मैं पहले ट्राई कर रहा था, लेकिन अब अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ तो थोड़ी मेरी कार पहले से तो बेहतर है, मैं कंपीट कर सकता हूँ अभी रेस में अगर मैं चाहूँ इस कार के साथ, तो क्योंकि मैंने मोस्टली खेले ये ओपन वर्ल्ड टाइप के जहाँ मैं कार जहाँ मर्जी भगा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से प्रॉपर ट्रैक पर रहते हुए खेलना ये आई थिंक पहली बार हो रहा है शायद, सो इतना मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। बाय द वे थैंक यू सो मच एपिसोड वॉच करने के लिए, मैं इसको ये फिनिश कर रहा हूँ, ये झलक था ग्रैंड टूरिज्मो 7 का जो PS4 और PS5 के लिए रिलीज हो रही है, आप बाय करके खेल सकते हो अगर आप दीवाने हो रेसिंग सिमुलेटर के, तो ये गेम आपके लिए आपको बहुत मजा आएगा, एंजॉय द गेम, मिलता हूं आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।